हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अरेना रूफोन में। हम आपको बतला रहे हैं मैट्रिक चैप्टर का ही किसी सिन्हा बुक से मैट्रिक चैप्टर का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 हम आपको पढ़ा रहे हैं। 16 से लेकर के 36 तक का प्रॉब्लम इस वीडियो में आपको सोल्व मिलेगा। तो धीरे धीरे आप वीडियो को देखते जाइए। आपसे जो क्वेश्चन बन गया है ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना है उसी क्वेश्चन को देखिए, या फिर आप पूरा देख लीजिए, जो मिलता है जो बन गया है उसको मिला लीजिए सही है या नहीं, और अगर जो नहीं बना है तो उसको आप इससे बना भी ले सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। हमने कहा था प्रॉब्लम जो टाइप थ्री है वो दो तीन चीजों पर आधारित है। एक है सम, हम आपको वीडियो हम आप ही डाले हैं कुछ समय पहले कि दो मैट्रिक्स को जोड़ा कैसे जाता है, किस किस सिचुएशन में जोड़ा जा सकता है, कैसे कैसे दो मैट्रिक्स को घटाया कब जा सकता है, कब कब हम घटा सकते हैं, और किसी स्केलर मल्टीप्ल अगर कोई कांस्टेंट को मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स में क्या चेंज आएगा, हम इन्हीं सब चीजों के बारे में सीखे हैं, पहले पढ़ा चुके हैं। अब सिर्फ इसका जवाब सुनते जाइए, सवाल का जवाब सुनते जाइए। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, पहला में ए और बी को जोड़ करके बताइए क्या होगा। ये काफी सरल है। जब भी हम मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो बस इस बात का ख्याल जरूर रखते हैं कि प्लेस वाला ही सेम प्लेस वाला सेम प्लेस में ही जुटेगा। प्लेस समझते हो ना, स्थान। जैसे ये पहला रो और पहला कॉलम में है तो इसका भी जुटेगा, तो पहला रो पहला कॉलम वाला ही जुटेगा। तो दो में एक जुटेगा, तीन हो गया। इसमें पहला रो और पहला कॉलम, सॉरी ये पहला रो दूसरा कॉलम में है चार, तो इधर भी यही देखना है पहला रो में और दूसरा कॉलम में, तो तीन, तो चार प्लस तीन सात हो गया। ऐसे आसानी से तीन तीन के साथ जुड़ जाएगा माइनस टू, तो तीन माइनस टू वन, और टू प्लस फाइव ये सेवन। ये हमारा पहला क्वेश्चन का जवाब मिल गया है। आइए हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन का जवाब देखते हैं। ए माइनस बी अगर हम घटाएं तो फिर क्या होगा। देखोगे घटाने के समय में भी वही होगा, प्लेस वाला ही प्लेस में घटेगा, सेम प्लेस वाला ही सेम प्लेस से घटेगा। तो टू माइनस वन ए माइनस बी इक्वल टू टू माइनस वन, तो टू माइनस वन वन, फोर माइनस थ्री तो फोर माइनस थ्री भी वन, थ्री माइनस टू घटाना है तो थ्री माइनस माइनस टू, थ्री माइनस माइनस टू तो थ्री प्लस टू हो जाएगा फाइव। समझिए इस चीज को, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो ऐसे है थ्री माइनस माइनस टू, थ्री में हमें घटाना है कितना, तो माइनस दो को घटाना है, तो थ्री में हमने घटा दिया माइनस दो को, तो माइनस माइनस प्लस ना, तो थ्री प्लस टू फाइव हो जाएगा। अगला है टू में से फाइव को घटाना है, तो दो में से पांच घटाएंगे तो माइनस तीन। ये हमारा सेकेंड का आंसर है और ये बिल्कुल सही है, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगला है जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। थ्री ए माइनस सी स्केलर मल्टीप्लाई करना है, यानी तीन जो कांस्टेंट है उसे हमें मल्टीप्लाई कर करके उसके बाद में सी घटा लेना है। तो हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है वो है थ्री ए माइनस सी। तो पहले ए मैट्रिक्स के साथ तीन मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो थ्री आई ए के जगह जो लिखा हुआ है रह देते हैं टू फोर थ्री टू, माइनस सी के जगह पर आप जानते हैं माइनस टू फाइव थ्री फोर, जो लिखा हुआ है वही हमने लिखा है, कुछ अलग से कुछ करने का प्रयास नहीं किए हैं। तो थ्री से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स का गुण होता है कि कोई भी कांस्टेंट अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में गुना हो जाता है वो कांस्टेंट। तो प्रत्येक एलिमेंट में गुना करिए तो दो गुना तीन छ, चार गुना तीन बारह, तीन तीन नौ और तीन दुना छ, माइनस में माइनस टू फाइव थ्री फोर। चलिए घटाते हैं, सिक्स माइनस माइनस टू, ठीक है ना, घटा जो रहे हैं सिक्स माइनस माइनस टू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिक्स प्लस टू हो जाएगा, सिक्स माइनस माइनस टू, सिक्स प्लस टू एट हो जाएगा, ट्वेल्व माइनस फाइव, फिर है नाइन माइनस थ्री, एक और है सिक्स माइनस फोर। अगला सवाल देखिए, इसका जवाब हम दे दे रहे हैं।
यहाँ है 6 माइनस माइनस प्लस 2, तो 6 प्लस 2 8, 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 3 6 और 6 माइनस 4 2। हमारे ख्याल से ऐसे सवालों में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम ज्यादा डिटेल इसीलिए कर दिए हैं ताकि आप लोग को कोई भी तरह का प्रॉब्लम ना हो, किसी भी टाइप के स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 उठाते हैं और इसमें क्वेश्चन जो है ये भी काफी आसान है। ए और बी मैट्रिक्स को हमें जोड़ करके दिखलाना है पहला क्वेश्चन में। तो ए प्लस बी, आप सिर्फ प्लेस जोड़ोगे, प्लेस का ख्याल रखोगे, तो एक में देखोगे तो 3 जुड़ जाएगा, 4 में -2, -1 में -6 देखोगे, पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, इधर भी जुड़ेगा तो 2 2 में, 6 जो है वो 0 में और 5 जो है वो -7 में। देखते हैं जोड़ करके क्या मिलता है। तो 1 और 3 अगर जोड़ते हैं तो 4 मिला, 4 और -2 तो 2, -1 और -6 जोड़ते हैं तो -7, 2 में 2 जोड़ते हैं 4, 6 प्लस 0 तो 6, 5 माइनस 7 माइनस 2। इस प्रकार से हमारा आंसर ए प्लस बी पहला आंसर तो आ गया। अगला है कि ए माइनस बी करें, घटाएं, घटाते हैं तो 1 में 3 घटेगा, जैसे जोड़े हैं वैसे ही घटाएंगे भी, तो 1 माइनस 3, या तो चाहो तो लिख दो, और अगर आप में इतनी समझ है घटाने भर तो लिखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आप बना सकते हो और इंटर के स्टूडेंट हो जी ये सब काम कर सकते हो। 1 माइनस 3 माइनस 2, 4 माइनस माइनस 2, तो 4 माइनस माइनस 2, समझिएगा 4 घटाना है हमें -2 को, तो यहां प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 2 6, -1 माइनस माइनस 6, तो +6 -1 यानी यहां 5 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 में से 2 घटाते हैं तो 0 हो जाता है, 6 में 0 घटाते हैं तो 6 ही रहेगा, अब 5 में -7 घटाते हैं बिल्कुल इसी के जैसा, 5 माइनस माइनस 7, तो माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 7 यहां 12 हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर ए प्लस बी इक्वल टू 4 2 माइनस 7 4 6 माइनस 2, ए माइनस बी आ गया -2 6 5 0 6 12, ठीक है। आगे आपको बढ़ाते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, सब में तीन चीज पूछेगा ही, दो मैट्रिक्स को जोड़ने के बारे में, घटाने के बारे में, और पूछ सकता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन के बारे में कि 2 या 3 से गुना कर देंगे तो फिर कैसे मिलेगा, और ज्यादा आपसे कुछ सवाल पूछेगा नहीं। जैसे यही देखे ना, सवाल क्या है, ए दिया गया है, बी दिया गया है, 2a माइनस b बताइए, तो ठीक है 2a माइनस b, 2 a के जगह 1 2 3 2 3 1, -b के जगह 3 माइनस 2 3 माइनस 1 0 2। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 इंटू 2 4 2 इंटू 3 6 2 इंटू 2 4 2 इंटू 3 6 और 2 इंटू 1 2, -3 माइनस 2 3 माइनस 1 0 2। अब सिर्फ घटा दो, आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। चलिए हम इधर ही आप कर लेते हैं, इक्वल टू में 2 माइनस 3 तो -1, 4 माइनस माइनस 2 तो देखो माइनस आई भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 और प्लस 2 यानी 6, 6 माइनस 3 6 माइनस 3 तो 6 माइनस 3 यहां 3 आएगा, 4 माइनस माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 4 प्लस 1 5, 6 माइनस 0 6 ही रहेगा, और 2 माइनस 2 तो 2 माइनस 2 0, ये हमारा ए माइनस बी आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 2a माइनस b पूछा था हमें, 2a माइनस b बराबर क्या मिला, -1 6 3 5 6 0। पहला चैप्टर में ऐसे भी आपको कम दिक्कत होगा, ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी।
ये देखो और आसान है, ए प्लस बी को मैट्रिक्स दे दिया है, इसमें मैट्रिक्स जोड़ना है, तो फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट को, तो रूट थ्री में टू को जोड़ेंगे, तो रूट थ्री प्लस टू, या ऐसे लिख सकते हैं टू प्लस रूट थ्री, एक में रूट पांच को जोड़ेंगे तो वन प्लस रूट फाइव, माइनस वन में प्लस वन को जोड़ेंगे तो जीरो, फिर दो में माइनस टू को जोड़ेंगे तो जीरो, तीन में तीन को जोड़ेंगे सिक्स, और जीरो में एक बटा दो को जोड़ेंगे तो एक बटा दो, ये आंसर आ गया। ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, और अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो फिर आप हमको बताइएगा, ऐसे जोड़ने घटाने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान है सब। चलिए जगह अगला जो क्वेश्चन है, इसमें ढेर सारा क्वेश्चन है, सात सात क्वेश्चन है इसमें, आइए हम बारी बारी से सभी को देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूट द फॉलोइंग, कंप्यूट करिए, ठीक है, हालांकि यहां पर गलत से इक्वल टू लिखा गया है, यहां होना चाहिए प्लस, यहां यहां गलती से लिखा गया है, इसको सुधार लेना है, यहां पर प्लस कर लेना है, ठीक है। तो यहीं पर जोड़ करके लिख दे सकते हैं, क्यों इतना बड़ा बनाया। कंप्यूट का मतलब होता है ज्ञात कीजिए, प्राप्त कीजिए, इसका मान निकालिए, जोड़ना ही है जोड़ दीजिए। तो चलो जीरो में छह जुड़ेगा, छह आंसर, सॉरी जीरो में छह तो छह, एक में दो जुड़ेगा तो तीन, पांच में माइनस तीन जुड़ेगा तो पांच माइनस तीन दो होगा, माइनस तीन में माइनस एक जुड़ेगा माइनस चार हो जाएगा, दो में चार जुड़ेगा छह, एक में दो जुड़ेगा तीन। हमारे ख्याल से बहुत छोटा सा सवाल था, और इसका जवाब आप खुद ब खुद भी दे सकते हैं। टू फोर, टू में फोर जुड़ेगा, इतना तो अंदाजा हो गया होगा, प्लेस अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि कौन कैमा जगह पर है, आपको आप अंदाजा लग जाएगा कि किस में किसको जोड़ना है। तो दो प्लस चार छ, माइनस एक प्लस तीन तो दो, है ना, माइनस एक प्लस तीन, तीन माइनस एक दो ये होगा, तीन प्लस एक चार, अब पांच माइनस दो तीन। चलिए ये आसान था, अगला यही बन जाएगा, ए में ए जोड़ना है तो टू ए, बी में बी जोड़ना है तो टू बी, माइनस बी में प्लस बी जोड़ना है तो जीरो, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, ए में ए फिर जोड़ना है तो टू ए, आंसर हो गया। यहां जैसे ही जोड़िएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर एक्स जुड़ेगा, और आप भली भांति जानते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, साइन स्क्वायर एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स जुड़ेगा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन, फिर साइन स्क्वायर एक्स में कौन चीज जुड़ेगा तो कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन, कॉस स्क्वायर एक्स में फिर कौन चीज जुड़ेगा साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स वन। इस तरीके से ये चारों क्वेश्चन तो यूं ही सोल्व हो गए, एक दो और बचे हैं उनको भी देख लेते हैं। सिक्स नंबर देखोगे तो ये भी बड़ा इजी है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ये दोनों भी आसान है, थोड़ा सा समझ लेते हैं इन सबको। सिक्स नंबर में माइनस एक प्लस बारह, तो बारह माइनस एक ग्यारह, चार प्लस सात ग्यारह, माइनस छ प्लस छ जीरो, जोड़ना ही तो है, और जोड़ने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आठ प्लस आठ सोलह, पांच प्लस जीरो पांच, सोलह प्लस पांच इक्कीस, इक्कीस, दो प्लस तीन पांच, आठ प्लस दो दस, पांच प्लस चार नौ, ये सिक्स नंबर का जवाब आ चुका है। एक और है फाइव नंबर, हम फाइव नंबर भी आपको बतलाते हैं, क्या है कि उसके लिए जगह थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जगह ज्यादा चाहिए।
चलिए इसको थोड़ा नीचे उतार दिए हैं, इसमें आसानी हो जाएगी इसको सोल्व करने में। जब आप जोड़ोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 2ab जुड़ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर इधर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में जुड़ जाएगा कौन सी, तो प्लस 2bc, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में माइनस 2ac, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, आगे और भी सवाल हैं उसको देखिए। ये फॉर्मुलेटिक टाइप का है, फॉर्मूला खाली आपको प्रयोग करना है और आप जवाब आप खुद ब खुद दे दे सकते हैं। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तब बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये भी हमारा आंसर खत्म हो गया। ठीक है, ऐसे और भी सवाल हैं आप समझते जाइए। और 7 जोन जोन सिर्फ आप आंसर मिलाते जाए, अगर आपका क्वेश्चन बन भी गया है पूरा का पूरा तो आंसर आप मिलाते रहेंगे। 2 + 1 = 3 है, 3 - 2 = 1, 1 + 3 = 4, 5 - 3 = 2, -1 + 1 = 0, 2 + 5 = 7, 0 + 6 = 6 है ना, 0 + 6 = 3, 3 में हम 2 को जोड़ेंगे और 5 में 0 को, तो 3 + 2 = 5 और 5 + 0 = 5, ये हमारा इसका भी आंसर करेक्ट आ गया। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, क्या है कि जगह छोड़े थे अपने हिसाब से ताकि, लेकिन कम में बन गया। जैसे ये है सिर्फ 3a है निकालना, तो आपको 3a निकालने में क्या परेशानी हो सकती है, a मैट्रिक्स में 3 से गुना कर दीजिए, और इस मैट्रिक्स में 3 से गुना करते हैं तो सभी एलिमेंट में 3 से गुना हो जाएगा, तो यहां 3 से गुना करिए 3 - 2 में 3 से गुना करिए -6, 3 में 3 से गुना करिए 9, सभी में 3 से गुना हो जाएगा। किसी मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो कांस्टेंट प्रत्येक एलिमेंट में गुना हो जाता है, तो 4 में भी गुना होगा तो 4 * 3 = 12, 5 में भी 15, -5 × 3 - 15, 5 × 3 = 15, 0 और 2 × 3 = 6। इस प्रकार से हमें 19 नंबर का जवाब मिल गया है, इतना ही यही जवाब होगा और बिल्कुल सही है। अगला सवाल भी काफी आसान है। पहले नंबर में क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि a प्लस बी प्लस सी, पहले b और c को जोड़ दीजिए बाद में a के साथ जोड़िएगा, कोई बात नहीं, a को जस का तस रहने दीजिए, 2 - 1 = 4 2, अब b और c को जोड़ दीजिए, हमारे ख्याल से जोड़ने में ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आराम से जोड़ सकते हो, बी और सी को जोड़िए, तो 4 - 2 = 2, 3 - 3 = 0, -2 - 1 - 3, 1 2 3, ये हो गया बी प्लस सी, 4 - 2 = 2, 3 - 3 = 0, -2 - 1 - 3 और 1 + 2 = 3। जैसे ही पूरा जोड़िएगा तो 2 + 2 = 4, -1 + 0 - 1, 4 - 3 = 1, 2 3 = 5। ठीक है, हमारे यहां पहला सवाल का जवाब मिल चुका है। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन है जिसको कि समझते चलते हैं, जवाब भी आपको मिलता चलेगा। a प्लस बी प्लस सी, अब की बार a और b को पहले जोड़ देना है, c को बाद में जोड़ना है, और कुछ तो है नहीं,
चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए प्लस बी प्लस सी, ए और बी को जोड़ दीजिए, ठीक है ना। आप ए और बी को जोड़ सकते हैं, टू फोर, टू फोर कितना, क्या है कि ए और बी को लिख ही लेते हैं इसलिए, क्योंकि बार बार कितना ऊपर नीचे करेंगे, एक जगह पर टू माइनस वन फोर टू, ये हमारा ए हो गया, प्लस बी है फोर थ्री माइनस टू वन। पहले इन दोनों को जोड़ देना है, हम जोड़ लेंगे, उसके बाद सी को जोड़ना है, तो माइनस टू माइनस थ्री माइनस वन टू, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू में टू प्लस फोर सिक्स, माइनस वन और थ्री तो टू, फोर माइनस टू तो टू, टू और वन तो थ्री, ये हो गया ए प्लस बी। और सी क्या था, अभी लिखा हुआ भी है, माइनस टू माइनस थ्री माइनस वन टू, चलिए दोनों को जोड़ देते हैं, सिक्स माइनस टू तो फोर, टू माइनस थ्री माइनस वन, टू माइनस वन वन, और थ्री प्लस टू तो फाइव, जोड़ना ही तो है, सिक्स माइनस टू फोर, टू माइनस थ्री माइनस वन, और टू प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो टू माइनस वन वन, और थ्री प्लस टू फाइव। इस तरीके से हमारे सेकेंड क्वेश्चन का भी जवाब हमको मिल चुका है। इसी तरीके के दो तीन क्वेश्चन और भी हैं, ठीक है ना। जैसे तीसरा है कि माइनस टू ए प्लस बी प्लस सी, चलिए ऐसे तो आप इसको बना ले सकते हैं, हम थोड़ा क्या करते हैं कि इसको मिटा देते हैं, यहीं पर बनाना ज्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग क्या करिएगा कि बैक जाकर करके आप कभी भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं, थोड़ा बनाना आसान रहेगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं पर है, आराम से बना ले सकेंगे। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो तीन, माइनस टू ए और प्लस बी प्लस सी। ऐसा करते हैं, माइनस टू और ए के जगह पर आप जानते हैं कि टू है, माइनस वन है, फोर है, टू है, प्लस में बी प्लस सी है, तो पहले बी और सी को जोड़ना भी है, तो बी के जगह पर फोर थ्री माइनस टू वन, और प्लस सी के जगह पर माइनस टू माइनस थ्री माइनस वन टू। माइनस टू से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो टू इंटू माइनस टू माइनस फोर, माइनस टू इंटू माइनस वन तो टू, माइनस टू इंटू फोर माइनस एट, माइनस टू इंटू टू माइनस फोर, बी प्लस सी, चार माइनस दो दो, तीन माइनस तीन जीरो, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, वन प्लस टू थ्री। चलिए माइनस फोर प्लस टू माइनस टू, माइनस फोर प्लस टू यहां माइनस टू, टू प्लस जीरो टू, माइनस आठ और माइनस तीन माइनस इलेवन, माइनस चार प्लस तीन माइनस वन, ठीक है ना, आसान है। और जोड़ने उड़ने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम तो खाली सिर्फ इसलिए बता देते हैं कि कोई भी स्टूडेंट अगर जो थोड़ा कमजोर टाइप का भी होगा वो भी आराम से इसको देख कर करके समझ सकता है। चलिए अगला सवाल ये है, ए प्लस टू बी माइनस सी, ठीक है, तो काम करते हैं इसी को मिटा लेते हैं फिर।
यहीं पर बनाने में ज्यादा सुविधा भी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। ए प्लस टू बी माइनस सी, तो ए के जगह पर तो जैसे है वैसे ही लिखा हुआ रहेगा, 2 माइनस 1 4 2 ऐसे ही रहेगा। प्लस में 2b है तो b के साथ 2 गुना करिए, 2, b के जगह पर 4 3 माइनस 2 1। अब माइनस में c, तो -2 -3, थोड़ा जगह और चाहिए, कोई बात नहीं जगह बना लेंगे। ठीक, प्लस में था क्या 2, अब b के जगह पर था 4 3, -2 1, माइनस में c के जगह पर था -2 -3, -1 2, इक्वल टू में 2 -1 4 2, 2 से गुना करिए तो 2 गुना 4 8, 3 दुना 6, 2 गुना -2 -4, 2 गुना 1 2, माइनस में -2 -3 -1 2। अगला हिस्सा, ओ ये पिछले वाला ही था, पिछले वाला ही क्वेश्चन का था इसलिए इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए ये तो ऐसे ही रहेगा कि 2 -1 4 2 ऐसे ही रहेगा, बदलाव इसमें होगा। जैसे ही आप घटाओगे तो 8 -2 तो -2 प्लस, 8 प्लस 2 10, 6 -3 तो -3 प्लस, तो 6 प्लस 3 9, -4 -1 देखोगे -4 अलग से कर देते हैं, -1 तो माइनस तो बीचे वाला है ये है, अब फिर -1 तो +1 हो जाएगा, तो -4 प्लस 1 यानी -3, 2 माइनस 2 ये 0। अब इन दोनों का ऐड करना है तो 2 में 10 जोड़ेंगे, 2 प्लस 10 12, -1 प्लस 9 8, 4 माइनस 3 1, 2 प्लस 0 2। इस तरीके से हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। अगला है, अगला जो क्वेश्चन है वो 21 नंबर है। वेरीफाई करिए, ए बी सी दिया गया है, जांचिए। देखो मूलतः रूप से इसमें इतना सारा क्वेश्चन इसीलिए दिया हुआ है कि आप इस पे इतना प्रैक्टिस कर लो, इतना प्रैक्टिस कर लो कि आगे इस सब से रिलेटेड कोई दिक्कत ना आए। चलिए वेरीफाई करना है, जांचना है, हम जांच करके बतलाते हैं सही है या नहीं। तो जो LHS है वो है a+b+c, आपको याद होगा तो इसको हम एसोसिएटिव लॉ में भी देखते हैं, हम पढ़ाए हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, सहचर्ज नियम। अगर ऐसा ये दोनों सेम सेम हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो इसका मतलब है ये सहचर्ज नियम का पालन करता है और करता भी है। ए ऐसे ही पहले रहने दो, पहले बी और सी को जोड़ दो, तब बी ये रहा सी ये रहा, एलिमेंट्स आपको ध्यान में है ही है, जोड़ दो 4 का -1 के साथ, 5 -2 के साथ, 6 जो है 1 के साथ। ये सब बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग को ध्यान में आ गया होगा, 4 -1 3, 5 -2 फिर 3, 6 + 1 7, -1 -1 तो -2, 0 और 2 तो 2, 1 और 3 4, 2 - 1 1, 1 - 2 -1, 2 और 2 4,
अच्छा फिर इक्वल टू में फिर यहां मिल रहा है। अब की बार ए देख रहे हैं, जो आपका ए दिया गया है वो इस प्रकार से है, 1 2 3 -1 0 2 और 1 3 -1 प्लस में, बाकी तो लिखा हुआ है ये है कि 3 3 7 -2 2 4 और 1 -1 4। हालांकि आपका जितना स्पीड होगा कैलकुलेशन उतना आसानी से बना सकते हैं। जुड़ेगा तो 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 3 5 और 3 प्लस 7 10, -1 -2 -3, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 4 6, 1 1 2, 3 -1 2 -1 प्लस 4 तो 3। इस तरीके से ये हमारा LHS आ गया। अगर इतना ही के बराबर RHS भी आ जाए तो हम जरूर कह सकेंगे कि ठीक ठाक है, कोई गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। RHS जो है वो हम बताते हैं। RHS में दिया क्या है उसको देख लेते हैं। तो पहले A और B को जोड़ लेना है, उसके बाद में C को। तो चलिए A और B को लिखना जरूरी हो जाता है, A प्लस B, और उसके बाद में सी को जोड़ना है, कोई बात नहीं। लेकिन ए और बी को जब तक लिखेंगे नहीं तब तक जोड़ेंगे कैसे हम? या फिर ए और बी को शुरुआत में ऊपर से ही जोड़ लीजिए। देखिए जोड़िए, ए को 4 5, तो पहला रो में क्या रहा है, 4 प्लस 1 5, 2 5 7 और 3 और 6 9। ए को 4 5 आ रहा है, 2 5 7 आ रहा है और 3 और 6 9, 5 7 9। तो पहला रो में तो हम लिख देंगे जोड़ कर करके, यही आया है 5 7 9। सेकेंड रो में देख लेते हैं क्या जोड़ करके मिल रहा है हमें, -1 -1 -2, 0 0 0। देखो -2 मिल रहा है, 0 मिल रहा है और 2 प्लस 1 तो 3, तो -2 0 3 लिखना है सेकेंड रो में, -2 0 3। एक रो और है हमारा, 1 2 3, 3 और 1 4, -1 2 1, 3 4 1 लिख देना है इस रो में, 3 4 1। अब सी मैट्रिक्स को खाली यहां लिख देना है, और आप लोग को याद होना चाहिए है क्या, -1 -2 1, -1 2 3, -1 -2 1, -1 2 3, -1 -2 +2, -1 +1 2। देख लेते हैं कुछ गलत ना हो, -1 -2 है ठीक है, और फिर 2 है। अब इन दोनों को जोड़ना है, चलिए जोड़ कर करके यहां लिख देते हैं, सिर्फ टाइम लगेगा और कुछ नहीं। 5 -1 4, 7 -2 यहां पर 5, 9 1 10, -2 -1 -3, 0 प्लस 2 तो 2, 3 प्लस 3 6, 3 -1 2, 4 -2 देखो ना, 4 -2 तो 2, 1 प्लस 2 3। अब जरा LHS से इसको मिला के देखिए, ये रहा LHS, नीचे है ही है, ये था 4 5 10, यहां भी आया 4 5 10, -3 2 6 यहां भी आया, -3 2 6, 2 2 3 ये भी 2 2 3, इसलिए हम बोल सकते हैं कि LHS और RHS बराबर है, ठीक है ना, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अभी आपके पास क्वेश्चन और भी है, 12 नंबर हम बतलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको और बतलाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, साइन स्क्वायर थीटा 1
कॉट स्क्वायर थीटा जीरो, इसको जोड़ना है, कुछ नहीं करना, सिंपली जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे, ये तो ऐसे ही जुड़ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट के साथ, है ना, इसका ख्याल रखोगे कि फर्स्ट एलिमेंट हम लोग फर्स्ट एलिमेंट के साथ जोड़ेंगे, निशान स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के साथ, फिर इसका इसके साथ, तीन गो है, प्लेस तीनों में देखो सेम सेम है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट एकरा में फर्स्ट एलिमेंट एकरा में फर्स्ट एलिमेंट, तो सब जोड़ोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस जीरो, ये जो मिल रहा है वो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस जीरो। अगला है कि वन वन के साथ जीरो और जीरो के साथ माइनस, तो वन जीरो माइनस वन, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला है कॉट स्क्वायर थीटा के साथ हम कॉट माइनस कॉट सेकंड स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे, फिर माइनस वन जोड़ेंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट सेकंड स्क्वायर थीटा और माइनस वन, फिर है जीरो वन जीरो, है ना, तो जीरो प्लस वन फिर जीरो, इतना ही चीज करना है। अगर इतना चीज आप कर पाते हो, सोल्व कर पाते हो, तो आपका 22 नंबर खत्म हो जाता है, बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर 23 थोड़ा नीचे उतार देते हैं, जगह मिल जाएगा, देखते हैं क्या रहा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू तो हम जानते हैं कि वन होगा, वन प्लस जीरो वन ही रहेगा, वन माइनस वन कैंसिल, जीरो हो गया। अच्छा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है ना, तो यहां से ऐसा करते हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस इसलिए कॉमन ले रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला हम पढ़े हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन, तो जबकि यहाँ निगेटिव मल्टीप्लाई है, ये जो जो प्लस में है होना चाहिए वो माइनस में है, और जो माइनस में होना चाहिए वो प्लस में है, तो माइनस कॉमन लेते हैं, जब माइनस वाला है वो प्लस में आ जाएगा, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में है तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे माइनस कॉमन ले लो तो प्लस वन, और जीरो जीरो कैंसिल, सिर्फ वन बचेगा। चलिए अगला ही देखते हैं, वन अपनी जगह पर, जीरो भी, माइनस यहां ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा वन और फिर वन, तो वन प्लस वन टू हो जाएगा जी, वन प्लस वन इधर वन। अगर हम टोटल देखें तो हमारा जो जवाब आ रहा है इसको मिटा देते हैं, ठीक है, तो वन जीरो माइनस टू वन, ये हमारा फाइनली आंसर। अगला सवाल है 23 में दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को देखते हैं, एक्स और वाई का मान ही निकालना है, हमारे ख्याल से बहुत इजी है, आप लोग भी इसको बनाइएगा तो इजी लगेगा। चलिए, टू से हम गुना कर देने हैं, तो पता है टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू एक्स, फिर टू इंटू फाइव तो टेन, टू इंटू सेवन फोर्टीन, टू इंटू बाई माइनस थ्री तो टू बाई माइनस सिक्स, जोड़ना भी इसमें है, तीन चार एक दो में, और तब जाके इक्वेट करना है सात चौदह पंद्रह चौदह सौ, ठीक है, कोई बात नहीं। टू एक्स प्लस थ्री होगा, टू एक्स प्लस थ्री, दस प्लस चार चौदह, चौदह प्लस एक पंद्रह, टू बाई माइनस छ प्लस दू, तो टू बाई माइनस छ प्लस दू तो माइनस चार, सात चौदह पंद्रह चौदह। अब जरा ध्यान दें, हमें x और y का वैल्यू चाहिए, तो यहां लिख सकते हैं कि देयरफॉर 2x प्लस 3 इक्वल टू 7, तो 2x बराबर 7 माइनस 3 तो 4,
दो दूना चार, एक्स बराबर टू, टू बाई माइनस चार बराबर में चौदह, टू बाई माइनस चार बराबर में चौदह, तो टू बाई बराबर चौदह प्लस चार अठारह, टू से काटते हैं तो बाई इक्वल टू नाइन, एक्स का वैल्यू निकल गया टू और बाई का वैल्यू नाइन, एक्स बराबर टू बाई बराबर नाइन, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड समेशन कब है, लेकिन बनाना तो है, थोड़ा सा वक्त लगेगा बन जाएगा। टू यहां मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे तो सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा टोटल एलिमेंट में, यहां तो टू ही रहेगा, टू इंटू थ्री, टू इंटू थ्री सिक्स, टू इंटू जीरो जीरो, टू इंटू एक्स टू एक्स, ठीक है, फिर प्लस में यहां लिख सकते हैं बाई जीरो वन टू बराबर फाइव सिक्स वन एट, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा काम करना है, अपने आप सारा काम अपने आप हो जाएगा, जोड़ देना है तो टू प्लस बाई है ना, टू प्लस बाई सिक्स प्लस जीरो सिक्स ही रहेगा, जीरो प्लस वन वन ही रहेगा, टू एक्स प्लस टू इक्वेट किसके साथ करना है तो फाइव सिक्स वन एट, देयरफॉर यहां है टू प्लस बाई और टू यहां फाइव, टू प्लस बाई को इक्वेट करेंगे फाइव के साथ, टू प्लस बाई इक्वल टू फाइव, बाई इक्वल टू फाइव माइनस टू, फाइव माइनस टू थ्री हो जाएगा। अगला है टू एक्स प्लस टू इक्वल टू एट, टू एक्स प्लस टू इक्वल टू एट, टू एक्स इक्वल टू एट माइनस टू सिक्स, टू से कैंसिल करो थ्री, हमारा आंसर आ गया एक्स बराबर। चलिए इस तरीके से 23 नंबर हम कंप्लीट कर चुके हैं, देखते हैं 24। सब ऐड करना है, विशेष आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा बहुत इक्वेट करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे ये देखो x बाई जेड टी का मान चाहिए, तो पहले 2 से तो मल्टीप्लाई करोगे तो 2x 2z 2 बाई 2t, तीन से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो 3 माइनस 3, 3 गुना 0 0 और 3 गुना 2 6 बराबर में 3 5 4 6, ठीक है, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 2z माइनस 3, टू बाई प्लस जीरो तो टू बाई, टू टी प्लस सिक्स इक्वेट किससे करना है, थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है ना। अब हमको इसका जवाब देना है, टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू थ्री, चूंकि पहला है टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल, टू एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, टू जेड माइनस थ्री इक्वल टू फाइव, तो टू जेड इक्वल टू फाइव प्लस थ्री एट फोर, जेड इक्वल टू फोर, टू बाई इक्वल टू फोर, बाई इक्वल टू 2t प्लस 6, 2t प्लस 6 इक्वल टू 6, 6 से 6 कैंसिल, 2t इक्वल टू 0, इसलिए t बराबर 0, तो हमको जो वैल्यू मिला है x बराबर 0, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 4 और t इक्वल टू 0, ये हमारा फाइनल
आंसर मिल गया। ठीक है, अगला हिस्सा है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें एक ही क्वेश्चन था, हाँ एक ही क्वेश्चन। जरा ध्यान दें तो ये जो लिखा हुआ है ना, इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो डायगोनल 1 3 2, ये भी लिखा हुआ सही है, या इसी को लिखा जा सकता है कि 1 0 0 0 3 0 0 0 2, दोनों एक ही चीज है, कुछ भी अलग नहीं। ठीक है, अगला है। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा हो सकता है साउंड का प्रॉब्लम हुआ हो। आगे और है 1 0 0, ये सब तो ठीक है। उसी तरीके से डायगोनल, इसको भी लिखा जा सकता है, इसको भी लिखा जा सकता है। तो और जैसे लिखा हुआ है वैसे भी करने का कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा पहला क्वेश्चन था 4a-3b, याद रखना डायगोनल 1 3 2 या 0 2 5 है, तो 0 0 0 यानी डायगोनल एलिमेंट खाली लिखल जाता है। यहाँ 1 3 2 लिखा गया है, इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट लिखा गया है 1 3 2, बाकी सारे एलिमेंट जीरो है। ये 3-2 5 है, तो डायगोनल एलिमेंट 3-2 5 लिखेंगे, बाकी सारे एलिमेंट जीरो लिखेंगे। इसमें डायगोनल एलिमेंट 0 2 5 है, तो 0 2 5 लिखेंगे, बाकी सब जीरो लिखेंगे। तो ए के साथ 4 मल्टीप्लाई करें, तो बाकी सबके साथ तो 4 मल्टीप्लाई करेगा तब भी जीरो आवेगा, तो खाली डायगोनल लग के साथ में कहीं नहीं कर देते। तो 4a का मतलब हो जाता है कि डायगोनल इसमें, आप जैसे ही 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 4 4 4 × 3 12, अब 4 × 2 8, माइनस में डायगोनल 3b है, तो b को 3 से गुना करोगे तो 0 तो 3 से गुना होगा तब भी 0 ही रहेगा। ये 3 से गुना होगा तो 3 × 2 6, और ये 5 जो है वो 15। जैसे ही इसको सोल्व करते हैं तो डायगोनल 4-0 4, 12-6 6, 8-15-7, ये हमारा पहला आंसर मिल गया है। अगला है कि a+b-2c, ए और बी जोड़ दिया जाए और 2c जो है घटा दिया जाए। तो चलो हम इसको भी, इसका भी जवाब दे देते हैं। ऐसा करते हैं जवाब यही लिख देते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा कम दूर ना जाना पड़े, हमको दोबारा लिखना ना पड़े उस सारे क्वेश्चनों को। ठीक है, सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है a+b-2c, ए और बी को जोड़ो, तो यहां ए और बी जोड़ दिया जाता है, इसका मतलब है डायगोनल 1 3 2 जोड़ रहा है, उसमें जोड़ रहा है डायगोनल 0 2 5 जोड़ रहा है, और -2 डायगोनल 3 ये नहीं रहेगा, थ्री माइनस टू फाइव है। ओह, आदत हो गई है इस। अब आपको डायगोनल जोड़ना है, तो जोड़ रहे हैं तो डायगोनल में लिखेंगे भी 1 0 1, 3 2 5, 2 5 7, 2 गुना कर देंगे पहले, 2 × 3 6, 2 × -2 -4, 2 × 5 10, सिर्फ अब इसको घटा के लिख देना है।
तो घटाओ भी में भी डायगोनल ही आएगा, एक में से 6 घटा दो तो माइनस 5, 5 में से माइनस 4 घटा दो तो माइनस माइनस प्लस 4, तो 5 प्लस 4 9, और 7 में से 10 घटा दो माइनस 3। एक चीज नहीं, ये पॉइंट वगैरह नहीं लिखना है। चलिए इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 तक तो मिल चुका है। अगला ये काफी आसान है, 26 नंबर क्वेश्चन, कि एक्स निकालना है, इधर ही प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, देयर फोर एक्स इक्वल टू 40 माइनस 76, इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस 2532 एक्स इक्वल टू, घटाएंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे, 4 माइनस 2 तो 2, 0 में से 5 घटाएंगे तो माइनस 5, माइनस 7 में माइनस 3 घटाएंगे तो माइनस 10, और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4। ये हमारा आंसर हो जाता है, 26 नंबर क्वेश्चन मिल गया है इसका जवाब। अगला है 27, चलिए इधर से ज्यादा दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं, थोड़ी बहुत दिक्कत तो आई है। ठीक है, रहने देते हैं, इधर देखते हैं आगे। फाइंड ए मैट्रिक्स एक्स सच दैट 2a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो हम लोग इसका मान कैसे निकालेंगे, देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन का जवाब। ठीक, 2a प्लस बी, तो पहले 2a निकाल लेते, 2a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 0, ध्यान दें ये 0 शिफ्ट हो जाएगा, अगर इधर मैट्रिक्स के रूप में है तो 0 यहां मैट्रिक्स के रूप में ही है, तो 0 मैट्रिक्स में ही शिफ्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है इस सब बातों का। तो पहले a को 2 से मल्टीप्लाई करिए, बताइए कितना आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो सभी में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 1 गुना 2 माइनस 2, 2 गुना 2 4, 2 तिया 6 और 2 चौ 8, प्लस बी के जगह 3 माइनस 2 1 5 प्लस एक्स, 0 मैट्रिक्स है तो 0 0 0 0, ठीक है। अगला है, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 3 माइनस 2 तो 1, 4 माइनस 2 2, 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 5 13 प्लस एक्स 0 0 0 0, हमें एक्स चाहिए, तो एक्स बराबर में इस मैट्रिक्स को उधर लेके जाके घटा देंगे तो 0 0 0 0, इसमें से घटाया क्या जाएगा तो 1 2 7 13, ठीक है, बराबर में 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 2 माइनस 2, सब निगेटिव हो जाएगा, माइनस 7 माइनस 13, ये हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से 27 का आंसर हो चुका है। अगला है 28 नंबर, टाइप वही है, कुछ भी ज्यादा अलग नहीं है,
चलिए इसको हम लोग अगला क्वेश्चन को भी देखते हैं। ए प्लस टू बी प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहां लिख सकते हैं, चलिए हम थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बाद में बनाएंगे। ए जस का तस, टू माइनस वन थ्री फाइव प्लस टू बी, तब बी में जैसे ही टू से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस दू दू जीरो चार, दो से मल्टीप्लाई करोगे सब में दो मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस एक्स बराबर जीरो। चलिए आगे देखते हैं, तीन दोनों को तो जोड़ दे सकते हो इधर, तो जोड़ करके मिलेगा क्या, तो दू माइनस दू जीरो, माइनस एक और दू एक, तीन प्लस जीरो तीन, पांच प्लस चार नौ, और प्लस एक्स बराबर जीरो। इधर एक्स से उधर जाएगा तो माइनस में हो जाना है, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, जीरो 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 जीरो, जिस ऑर्डर में रहेगा उस ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स अपने आप बन जाएगा। आइए इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, जीरो वन थ्री नाइन, जैसे ही घटाते हैं तो जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो माइनस एक माइनस एक, जीरो माइनस तीन माइनस तीन, और जीरो माइनस नौ माइनस नौ, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थोड़ा सा गलत है, यहां 58 बी ने ना होकर करके यहां 5 बी होगा, बुक में भी गलत दिया हुआ है, हम इस प्रिंट की वजह से लिखा गया है 8 नहीं होगा, और उस ऐसा कर करके हल करते हैं तो हम आराम से x का वैल्यू पाएंगे, और जो वही पाएंगे जो हमको आंसर दिया जा रहा है। चलिए ज्यादा क्वेश्चन अब नहीं बचता है, 7-8 क्वेश्चन और है, अब शुरुआत किए हैं तो इसको खत्म ही कर लेते हैं। 2a प्लस 3x, यहां 2a, चूंकि 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b, तो हमको x का वैल्यू निकालना है, पहले तो a को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दूना 16, जीरो गुना दू जीरो ही, चार दूना आठ, माइनस दू गुना दू माइनस चार, तीन दूना छ, और छ दूना बारह, प्लस थ्री एक्स, फाइव बी, बी के साथ पांच गुना करो तो पांच दूना दस, माइनस में दस, पांच चौ बीस, पांच दूना दस, माइनस पच्चीस, इधर पांच, थ्री एक्स इक्वल टू, हम लोग क्या करने वाले हैं अभी, इधर घटा देंगे, इसको उधर लाके जाकर करके घटा देंगे, तो दस माइनस दस बीस, दस माइनस पच्चीस पांच, इधर प्लस इधर माइनस, सोलह जीरो, आठ माइनस चार सिक्स ट्वेल्व, घटाते हैं दस माइनस सोलह तो माइनस छ, माइनस दस माइनस जीरो तो माइनस दस, बीस माइनस आठ बारह, दस माइनस माइनस चार तो माइनस माइनस प्लस, दस प्लस चार चौदह, माइनस पच्चीस माइनस छ माइनस इकतीस, पांच माइनस बारह माइनस सात, एक्स के साथ तीन गुना है उधर जाएगा तो तीन भागा में, तो एक बटा तीन, माइनस छ माइनस दस बारह चौदह माइनस इकतीस माइनस सात, ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया है 28 नंबर क्वेश्चन का। चाहे तो तीन से हम बारी बारी से प्रत्येक टर्म में भागा लगा सकते हैं, या फिर इतना पर भी छोड़ेंगे तो कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा। 29 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये बिल्कुल लीनियर इक्वेशन के जैसा है कि x प्लस वाई
इक्वल टू 5209। इसको समीकरण एक मान लीजिए और दूसरा में है एक्स माइनस वाई तो 360-1। समीकरण दो मान लीजिए, किसी एक को निकाल लीजिएगा तो हम आसानी से दूसरा का वैल्यू निकाल ले सकते हैं। चलिए जोड़ देते हैं, तो एक्स एक्स टू एक्स और बाई माइनस बाई तो कैंसिल हो जाएगा। जब जोड़ते हैं तो पांच में तीन जुड़ेगा, पहला एलिमेंट में पहला एलिमेंट, तो पांच प्लस तीन आठ, दो में छ आठ, जीरो में जीरो जीरो, नौ माइनस एक आठ। तो हमें यहां से एक्स का वैल्यू तो निकल गया, हम यहां लिख देते हैं एक्स का वैल्यू, दो इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में एक बटा दो, आठ आठ जीरो आठ। चूंकि हम देख रहे हैं प्रत्येक एलिमेंट दो से कट रहा है तो हम भागा दे ही देंगे, तो चार यहां भी चार, यहां जीरो यहां चार। हम एक्स का मान निकाल चुके हैं, अगर समीकरण एक में एक्स का मान रख दे तो बाई का मान निकाल ले सकते हैं आप लोग। तो एक्स के जगह पर आज रख दोगे 4404 और प्लस बाई इक्वल टू 5209। हमें ऐसा लगता है कि यहां के बाद आप सोल्व कर लोगे, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, घटाओगे अपने आप आंसर आ जाएगा। तो बाई इक्वल टू घटा करके देखो ना, फाइव में से फोर घट जाएगा तो पांच में से सभी में चार चार घटेगा, खाली एगो में जीरो घटेगा, पांच में से चार घटेगा एक, दो में से चार घटेगा माइनस दो, जीरो में जीरो घटेगा जीरो, और नौ में से चार घटेगा पांच। ये हमारा आंसर आ जाएगा, एक्स का मान ऊपर ये निकल गया, बाई का मान ये निकल गया। अगला क्वेश्चन है 30, सो डेट करना है, दिखाना है कि एलएचएस का जो वैल्यू है वो एक के बराबर ही आता है, बस थोड़ा समय और लगना है, ये क्लियर हो जाएगा। तो पहले कहता है कॉस थीटा मल्टीप्लाई करना है, कॉस थीटा, अच्छा मैट्रिक्स का गुण क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट रहे या वेरिएबल रहे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा एलएचएस जो है वो इस प्रकार से हो जाएगा, कॉस थीटा गुना कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा गुना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा गुना माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में साइन थीटा गुना साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा गुना माइनस कॉस थीटा, तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, और साइन थीटा गुना साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा। जैसे ही जोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जोड़ोगे तो ये प्लस में ये माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा तो जीरो, माइनस साइन थीटा गुना कॉस थीटा प्लस साइन थीटा गुना कॉस थीटा तो प्लस में ही माइनस में कैंसिल हो जाएगा जीरो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये रहेगा। और इसका वैल्यू हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका मान एक होता है, इसलिए वैल्यू इसका 1001। इसका मतलब है बराबर में आई, ये गलती से ये आई लिखल है, एक नहीं लिखल है, समझना ये आई लिखा हुआ है, और ये आई यूनिट मैट्रिक्स होता है, यूनिट मैट्रिक्स को आई से सूचित किया जाता है, ऐसा हम पढ़ा चुके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, तो ये आई आया। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, अगला है 31, बस बहुत कम है, अब नहीं ज्यादा बचा है। चाहते थे कि एक वीडियो में एक टाइप आपका क्लियर होता चले, जिससे थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको यह ध्यान रहेगा ना कि तीन वीडियो बना हुआ है, पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट है इसमें। 2x प्लस 3y और यहाँ 3x प्लस 2y, ये भी लिनियर इक्वेशन पर ही है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2340। पहला इक्वेशन, और 3x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 2 2 1 माइनस 5। ये हमारा पहला इक्वेशन, ये हमारा दूसरा इक्वेशन, ठीक है।
अब इसको सोल्व करना है, आखिर कैसे सोल्व करें, कुछ तो इस्तेमाल करेंगे ही रूल। चलिए देखते हैं क्या सोल्व करने के लिए कौन सा रूल इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि पहले किसी एक को गायब करना होगा। सब अगर हम बनाते हैं इलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि से, तो किसी एक को गायब करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा, दोनों को बराबर लाना होगा। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें 3 से। 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 बाई गुना 2 तो 6 बाई, और 2 बाई गुना 3 तो 6 बाई। तो गुना करिए शुरुआत में, तो 2 गुना 2 4x प्लस 6 बाई। यहां 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 दुना 4, 3 दुना 6, 4 दुना 8, इधर 0। 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 3 9x प्लस 6 बाई। 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो -6, 6 3 -15। ऐसा करते हैं, अब घटा देते हैं। चलिए घटा घटा करके जो मिलता है उस देख लेते हैं। सेम हो गया है, घटाएंगे तो 6 बाई से 6 बाई कैंसिल हो जाएगा। 4x में से 9x कैंसिल हो गई, घटेगा तो -5x। इधर ऐसा करते हैं, लिख के घटा देते हैं 4 6 8 0। इसमें हमको घटाना है -6 6 3 -15, ठीक है। चलिए 4 -6 तो 4 प्लस 6 10, 6 -6 0, 8 -3 5, 0 -3 -15 तो +15। अच्छा -5x बराबर ही है, हमें चाहिए x बराबर -5 गुना में इधर आएगा तो -1/5, 10 0 5 15। तो माइनस तो गुना होगा ही होगा, 5 से भागा पड़ेगा, तो 5 दुना 10 तो -2, 0 गुना -1 तो 0, 5 से 5 कैंसिल -1, 15 से 5 3 15 तो -3। इस तरीके से हमारा वैल्यू x निकल चुका है, x निकल चुका है तो आप एक में रख दीजिएगा तो y का मान निकल जाएगा। चलो एक इक्वेशन पकड़ लेते हैं कि 2x + 3y = 2340 है ना, चूंकि 2x + 3y = 2340। तो यहां से पहले तो 2x के साथ में 2 मल्टीप्लाई करो। जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 × 2 -4 0 -2, -3 × 3 -9, और प्लस में 3y = 2340। इधर जाएगा तो घटेगा ही घटेगा, 3y = 2340। जैसे ही इधर जाता है तो ये घटेगा माइनस में, -4 0 -2 -9। हालांकि माइनस कॉमन लेकर के इसको प्लस में भी बनाया जा सकता है, जैसा देखोगे। सिर्फ सोल्व करना है, हल करना है, जैसे हल हो जाए। देखो 2 - -4 तो -+ 2 + 4 6 3 - 0 तो 3, 4 - -2 तो 4 - -+2, 4 + 2 6, 0 - -9 तो -+9। यहां 3y है तो y = 3 ने गुना में 3 भागा में 6369। 3 से भाग लगा दो तो 3 दुना 6 तो 2, 3 से 3 1, 3 दुना 6 तो 2, 3 3 9, ये हमारा फाइनल आंसर मिल जाता है 2123। x का वैल्यू भी मिल गया और y का वैल्यू भी मिल गया हमें। अगला है 32।
ज्यादा नहीं है, अब दो तीन चार क्वेश्चन है। 32 में क्वेश्चन जो दिया जा रहा है उसको समझते हैं। ए प्लस सी इक्वल टू बी और हमें चाहिए सी मैट्रिक्स, चूंकि ए प्लस सी इक्वल टू बी तो सी इक्वल टू बी माइनस ए, तो सिर्फ बी मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स घटा दीजिए तो बी मैट्रिक्स है 3 - 1 - 2 - 4 - 2 - 5 - 2 - 0 - 3 में घटाना है ए को, तो 1 - 2 - 5 - 0 - 2 - 1 - 1 - 1 चलिए घटा करके देखते हैं क्या आंसर मिलता है। आप लोग बनाए भी होंगे तो ये सब ध्यान में होगा आप लोग को, जरा सब देखते हैं। C इक्वल टू सिर्फ घटा दिए आंसर आ गया 3 - 1 - 2 - 1 - 2 देखो -1 - -2 ऐसे करना है, तो -1 - -2 - -3 - 2 - -3 तो -3 - 3 तो 2 + 3 - 5 4 - 5 - 1 2 - 0 - 2 5 - 2 - 3 2 - 1 - 1 0 - 1 तो +1 3 - 1 - 2 इस तरीके से यह हमारा फाइनल आंसर आ गया, C इक्वल टू उतना ही आएगा। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है, ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, तो 2a 3b रख देना है, सी भी रख देना है, सी खाली इन्हें लाके घटा देना है, एक्स के साथ एक्स का मान निकल जाएगा, आपको अधिक कुछ करना नहीं है। चलो दो चार क्वेश्चन है ये कहने सोल्व भी कर दे। तो पहले तो दिया गया है 2a + 3b = x + c, तो पहले a के साथ में 2 मल्टीप्लाई करो, तो 2 से गुना करोगे तो 2 * 4 = 6 और 4 * 2 = 8 -3 * 2 तो -6 - 0 और 2 * 4 + b के साथ में 3 गुना कर देना है, तो b के साथ में 3 गुना करोगे तो 3 * 3 = 9 3 * -4 - 12 3 * -5 - 15 3 * 3 = 6 और 3 * 1 = 3 एने प्लस इधर आएगा तो -c, सी के जगह पर 5 - 1 = 2 - 7 - 0 - 3 अब बराबर में x तो बच ही रहा है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ 4 + 9 - 5 4 + 9 - 5 इसी तरीके से 6 - 12 और -1 + 1 8 - 15 और -2 -6 + 3 -6 + 3 और -7 0 + 6 + 6 - 0 4 + 3 है ना 4 + 3 - 3 बराबर में x 9 - 5 - 4 - 4 + 4 - 8 6 + 7 - 7 - 12 - 5 8 - 15 - 7 - 2 तो -9 -7 - 6 - 13 + 3 तो -10 6 3 से 3 कैंसिल 4 x इस तरीके से x का वैल्यू तो निकल चुका है, ज्यादा परेशानी किसी को होना भी नहीं चाहिए। 2a - 3b आपको निकाल के बतलाना है, तो चूंकि 2a - 3b तो a को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 * 4 सब में 2 से मल्टीप्लाई करते चलो 3 * 6
माइनस में आठ, फिर दो से तो दो जीरो छः दूना बारह, थोड़ा और नीचे कर लेते तब माइनस चार, दो पाँच दूना दस। बी को तीन से तो तीन से गुना करेंगे तो पाँच तिया पंद्रह, एक गुना तीन तीन, तीन दूना छः, छः तिया अठारह, माइनस तीन चार तिया बारह, पाँच तिया पंद्रह, तीन तिया नौ, तीन गुना माइनस चार, माइनस में बारह। ठीक, अगला है खाली इसको हल कर करके बतलाना है। चार माइनस पंद्रह माइनस ग्यारह, छः माइनस तीन तीन, माइनस आठ माइनस छः माइनस चौदह, दो माइनस अठारह माइनस सोलह, जीरो माइनस 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 प्लस तीन तीन, बारह माइनस बारह जीरो, माइनस चार माइनस पंद्रह माइनस उन्नीस, दो माइनस नौ माइनस सात, दस माइनस माइनस बारह तो माइनस माइनस प्लस बारह, दस प्लस बारह बाईस। ठीक है, अगला आपको यही करना है, वेरीफाई करना है और आप खुद भी कर ले सकते हो। इस तरह का हम आपको क्वेश्चन बताए भी हैं। आपको ए माइनस टू बी प्लस थ्री सी निकालना है, ए ऐसे ही रह देना है, बी को दो से गुना कर देना है और सी को तीन से गुना कर देना है, ए और थ्री सी को जोड़ देना है और टू बी को घटा देना है, वेरीफाई करना है। इस तरह का क्वेश्चन बताए भी हैं, आप 35 नंबर आप खुद भी बना सकते हो। ठीक है, हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है 36, हम इसको देख लेते हैं, थोड़ा देख रहे हैं, बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि फातिमा हैज टू फैक्ट्रीज एट प्लेस पी एंड क्यू। फातिमा के पास दो फैक्ट्री है, एक पी जगह पर है, क्यू जगह पर है। इस फैक्ट्री प्रोड्यूस स्पोर्ट्स शू फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन थ्री डिफरेंट प्राइस कैटेगरी, लेवल वन टू एंड थ्री। तो देखो, फैक्ट्री पी के पास में बॉयज और गर्ल्स के लिए जूते बनाए जाते हैं तीन कैटेगरी में, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री। तो वे सब चीज आपको लिखा गया है यहाँ पर। द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बाई इच फैक्ट्री आर रिप्रेजेंटेड एज मैट्रिसेस गिवन बिलो। जो मैट्रिसेस यहाँ दिया गया है वो दोनों फैक्ट्रियों में बॉयज और गर्ल्स के लिए जिस जिस लेवल में जितना जितना जूता बनता है वो सारे चीजें यहाँ पर दिखाया भी गया है। कहा जा रहा है लेवल वन का बॉयज के लिए 95 शू बनते हैं, मतलब जूता बनता है, गर्ल्स के लिए 60, और लेवल टू में बॉयज के लिए 75 और गर्ल्स के लिए 65। इसी तरीके से फैक्ट्री क्यू के जगह पर भी दिया गया है। चलिए, ये सारा का सारा प्रोडक्शन किसका है, तो बॉयज के शू का और ये गर्ल्स के शू का, ये लेवल वन में, आई लेवल टू में, ई लेवल थ्री में। उसी तरीके से इधर भी ऐसा ही दिया गया है, खाली जगह चेंज है, ये फैक्ट्री पी और ये फैक्ट्री क्यू। तो पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है द टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स शू फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन ईच प्राइस कैटेगरी। तो टोटल प्रोडक्शन जैसे ही पूछ लिया तो हम लिखेंगे कि देयर फॉर टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन है ना, बराबर ए प्लस बी। टोटल प्रोडक्शन जो है ए प्लस बी, तो दोनों जोड़ देते हैं, ये बी जोड़ते हैं, 95 और 90, 90 90 180 और 5 185, 60 और 50 110, 75 और 70 145, 65 और 55 120, 90 और 75 165, 85 और 75 160। ये हो गया बॉयज के लिए और ये हो गया गर्ल्स के लिए, ये बॉयज और ये गर्ल्स, ये हो गया लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री। ठीक है,
अगर कोई पूछता है लेवल वन का बॉयज का कितना जूता बनाया जा रहा है टोटल, तो 185। उसी तरीके से सभी में, लेवल टू में, लेवल थ्री में, सभी में। तो ये आपका आंसर हो गया ए प्लस बी बराबर, जैसे लिखे हैं वैसे ही आपका आंसर भी लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बॉयज गर्ल्स लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री। अगला क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ स्पोर्ट्स शू प्रोड्यूस्ड बाई फैक्ट्री एट पी एंड क्यू फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन ईच प्राइस कैटेगरी। तो जो सेकेंड नंबर है उसमें पूछा जा रहा है कि ए माइनस बी, डिफरेंट प्रोडक्शन अगर पूछा जा रहा है तो ए माइनस बी निकालना है आपको, और हमारे ख्याल से वो भी निकाल सकते हैं आप। तो 95 में से 90, तो 5, 60 में से 50, 10, 75 में से 70, 5, 65 में से 55, तो 10, 90 माइनस 75, तो 90 माइनस 75 10, और सॉरी 90 माइनस 75 है ना, 15 हो जाएगा। ठीक है, कितने हो जाएंगे 15, 85 माइनस 75 10। ये हो गया बॉयज, ये हो गया गर्ल्स, ये हो गया लेवल वन, ये हो गया लेवल टू, ये हो गया लेवल थ्री। ठीक है, तो हमको ए माइनस बी घटाने में ज्यादा समय ना लगना है, आसानी से घट भी जाएगा। लास्ट है तीसरा नंबर, नंबर ऑफ स्पोर्ट्स शू प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री एट पी फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन ईच प्राइस कैटेगरी। ये प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री, थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं ताकि ये दिखे बढ़िया से। ये प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री एट पी, पहला क्वेश्चन में है रिड्यूस टू 20%। अगर 20% कम जाता है, 20% जो है वो कमता है, मतलब कि इसका, तो रिड्यूस टू 20% यानी 20% ए का, पी की जगह पर मैट्रिक्स यही ना बन रहा है, फैक्ट्री पी वाले जो प्रोडक्शन है उसको मैट्रिक्स ए से सूचित किया जा रहा है, तो उसका 20%, 20% ऑफ ए। 20% का मतलब है 20/100 गुना में ए, 20/2500 यानी 1/5 ए। ठीक, तो बराबर में 1/5 तो ठीक है, और ए जो है वो 95, 60, 75, 65, 60, 75, 65, 90, 85, पांच से जैसे ही भागा देंगे 19, 12, 15, 75, 75, 13, 55, 65, 13, 18, 95 और ये 17। इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 20% प्रोडक्शन है तो यही रहेगा, यही मतलब रिड्यूस है, यानी इतना ही जूता जो है घटेगा। हैज डबल्ड, दूसरा में है कि दुगना कर दिया जाता है, तो जब दुगना कर दिया जाएगा तो इसका मतलब 2A, तो यही ए है ही है, इसको दुगना कर दो, तो 95 गुना 2 190, 60 दुना 120, 75 दुना 150, 65 दुना 130, 90 दुना 180, और ई हो गया 170। इस तरीके से हम लोग ये खत्म कर चुके हैं हमारा पहला एक्सरसाइज 5.1, ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है, खत्म। आप लोग इसको पूरा बनाए हैं और बनाए हुए रहिएगा, बाकी अनदर चैप्टर का भी थ्योरी देंगे, उसका भी क्वेश्चन धीरे धीरे बतलाएंगे। आप लोग जुड़े रहिए, आप लोग को फायदा पहुंचता रहेगा।